सुनो, कोई ख्याल भेज दो। इतनी देर से ये खिड़की के पास स्टूल पर रखा चाय का गिलास इतनी तल्ख हवा है कि सूख के इसमें भी पपड़ी जम गई है। सिर्फ गिलास पे है या जिस्म पे भी है, सिर्फ गिलास पे है या जिस्म पे भी है, नहीं मालूम। बाहर कुछ गर्मी है पर मेरे अंदर कुछ ज़्यादा सुलगता है। देखो वो जो मेरा मांस नोच नोच के मेरे मन की चील मुझको ही खा रही थी, मानो वहाँ भी अब कोई दर्द नहीं होता। वो जो मेरा मांस नोच नोच के मेरे मन की चील मुझको ही खा रही थी, मानो वहाँ अब कोई दर्द नहीं होता। जिस्म भी सूख गया है। न किसी बात से मैं खुद में हलचल महसूस करती हूँ। आंखें टिकी आसमान पे, पथराई सी, वो पेरिस के एफिल टावर के जैसे जाल सा बुनती हैं। कभी तिकोना खोजती हैं, कभी चौकोर, कभी उन्हीं में उलझती खींच के चिल्ला देने को मन करता है, पर सब सुन है, कोई आवाज नहीं है। न बाजार में कुछ मिलता है, न टीवी में कुछ मिलता है, न अखबारों में, न पार्क के झूलों में, बस मिलता है तो खून, मिट्टी में मिला हुआ। क्या सबकी मिट्टी अलग हो गई? हम भी मिट्टी हैं, पर सब सुन है, कोई महसूस नहीं करेगा। जीने को, महसूस करने को फिर से दो दिल हो आया है। सुनो, कोई ख्याल भेज दो। एक और है मेरी, वो थोड़ा सा रोमांटिक साइड पे है, लाइक तो आई रियली वॉन्टेड टू रिसाइट दैट ऑल्सो। कई दिन बाद चांद दिखा, मैंने पूछा कैसे कटती है यार बारिश के दिनों में ये रात तुम्हारी, बोर नहीं हो जाते तुम अकेले? चांद थका हुआ सा था, मुझसे बोला किसी के बारे में पूछ रहे हो या खुद का हाल बता रहे हो? दो सवाल बराबर लेकिन एक साथ, थोड़ा अजीब हो गया ये तो। खिसियाया हुआ चांद था और हम बैर ले बैठे। चांद फिर बोला जवाब नहीं दोगे? मैं भी ना अब बोल के भी चुप हूं, कैसे बता दूं ये सब कुछ? याद तो मुझे भी बहुत आता है, वो कैसे रसोई से निकलती मिर्ची की धसक से खांसती, धक से मेरे सीने से लग जाती थी। मसालों की खुशबू कपड़ों से और कुछ मोगरे सा वो शैम्पू बालों में महकता हुआ, वो कलफ लगी कॉटन की साड़ी पसीने से तर कमर के पास से सीधे पसीना चूता हुआ। पता नहीं बारिश कम वक्त कब आएगी, यही बोला था उसने। सुनो, ये क्या सावन में अम्मा के घर जाना जरूरी है क्या? काम कैसे होगा, बेमन से मैं बोला, और मन ही मन सोचता काश के इस बार रुक जाए। वो रुआसी होकर बोली, खाना दो टाइम का बना के रख दिया है तुम्हारे लिए, खराब मत होने देना, और हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। इस बार मैं पलट कर बोला, मत जाओ, मैं बोर हो जाऊंगा। बस ये बात दिल में अटक कर रह गई कि तुम्हारे बिना जी नहीं लगता। स्टेशन चले? चलते हैं, आज सातवां दिन है, पिछले 5 दिनों से बरसात भी हो रही है। उसके रहते तो ये बरसे नहीं थे बादल, अब तो ना वो खुशबू है, ना वो धसक मिर्ची की, अलगनी पे लटकी कॉटन की वही साड़ी सब याद दिलाता है। कुछ करने को नहीं है, जैसे चांद बादलों के ऊपर अकेला किसी की राह देखते, थका हुआ सा, बोर सा, सब है पर कोई भी नहीं। वो तारों के साथ अकेला और मैं यादों के साथ। थैंक यू सो मच।